नमस्कार, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। 2 साल बाद निकलेगा सेट का फॉर्म और साथ ही चपरासी भर्ती से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम चपरासी की भर्ती से अपडेट के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था चपरासी की भर्ती को लेकर, साथ ही उसके बारे में अपडेट है जुड़ी हुई बातें। जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से चपरासी के लिए 80 पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया था, साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 11 पदों के लिए भी एक वैकेंसी जारी किया गया था। मतलब दोनों को मिलाकर कुल 91 पद, चपरासी के 80 पद और साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 11 पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया था। मतलब दोनों को मिलाकर 91 पद, डेट एक ही है, 8 जून 2022 को आपको फॉर्म डालना है और परीक्षा का दिनांक भी एक ही है। इसके बाद देखिए, उपरोक्त दोनों विज्ञापन की परीक्षा योजना एक समान होने के कारण संयुक्त भर्ती की आयोजित की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को आवेदित दोनों पद हेतु मान्यता किया जाएगा। मतलब दोनों ही मान्य होगा। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा बात यह है कि इमला होगा यानी कि शुद्ध लेखन होगा। दोनों होगा तो दोनों ही मान्यता प्राप्त होगी। मतलब दोनों विषय जो है, सब्जेक्ट है, दोनों विषय में है, यानी कि चपरासी पद के लिए भी है और जो 11 पद के लिए वैकेंसी जारी किया है उसके लिए भी सिलेबस सेम है। अब इसके बारे में और बात करता हूँ कि शुद्ध लेखन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग से इसके नियम एवं शैक्षणिक अर्हता के अनुसार अग्रमान्य परफॉर्मेंस पत्रक भरना होगा, यह अनिवार्य है। और साथ ही यह है कि अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए विकल्प यानी कि अग्रमान्यता के आधार पर ही संबंधित विभाग हेतु चयन मिलेगा, यानी कि इसके अनुसार चयन किया जाएगा। परफॉर्मेंस आपको पहले भरना पड़ेगा कि आपको मंत्रालय के लिए सबसे पहले मंत्रालय द्वारा आपको वैकेंसी अगर चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं, ये जो 11 पद के लिए जो वैकेंसी जारी किया है उसको, अगर आप उसमें मान्य नहीं हैं तो इसके में सिलेक्ट हुए हैं। प्रिफ्रेंस का मतलब है कि देखिए, जो चयनित होगा तो सबसे पहले अगर आप जिसमें चयनित होगे तो उसको पहले आप चाहिए, या फिर जो सेकेंड वाला जो 11 पद के लिए है तो उसको, अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो जो दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट होगे तो उसको चयनित कर सकते हो। इसके लिए अभ्यर्थी परफॉर्मेंस पत्र भरना अनिवार्य है। अब बात ही ये इसका मतलब है कि प्रेफरेंस जो जैसे कि अभ्यर्थी के द्वारा जो भरे गए पत्रक है या परफॉर्मेंस, उसके आधार पर ही चयनित किया जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, देखिए दूसरी बात यह है कि सेट के बारे में बात करता हूँ। देखिए, 2 साल बाद फिर से होगी, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगी, राज्यता पात्र परीक्षा के अनुसार। देखिए, यहाँ पर जो कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए योग्यता देने वाली राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट इस साल फिर से आयोजित की जाएगी। साथ ही इस बार इसमें नए विषय भी शामिल हो सकते हैं। उच्च आयोग द्वारा शारदा वर्मा ने इसे लेकर प्रस्ताव संविचालक को भेजा है। इसके अनुसार कहना है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम को प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद व्यापम परीक्षा कराने के लिए यूनिवर्सिटी यानी कि ग्रांट कमीशन की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रदेश में अब तक यानी कि 6 बार परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। जैसे कि पिछली बार वर्ष में 2019 में 19वीं विषय में यह परीक्षा हुई थी, लेकिन इसके बाद कोरोना संक्रमण के चलते इस परीक्षा को लेकर कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। और साथ ही देखिए, राज्य के कॉलेजों विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के लिए न्यूनतम योग्यता यानी कि नेट अथवा सेट, नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, या फिर सेट की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, या नेट का क्वालिफाई करो या फिर सेट का, दोनों में से एक अनिवार्य बोला गया है। अब यह परीक्षा प्रदेश के लाखों युवाओं के प्रदेश में पहली बार 2006 में सेट आयोजित हुई थी, 2006 में किया गया था। इसके बाद 2006 से लेकर 13, फिर 17, फिर 2018, फिर 2019 में परीक्षा आयोजन किया गया था। देखिए, यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद यूजीसी के अनुसार प्रदेश में हर साल सेट का आयोजन होना चाहिए। और उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक डॉक्टर एच पी खैरवा ने बताया है कि इसके लिए लोक शिक्षा संचालन से प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया गया है। यही आपको अपडेट देना था कि यूजीसी से अनुमति लेने के बाद ही व्यापम करा पाएगा। साथ ही इस बार परीक्षा नए विषय भी शामिल हो सकते हैं, यही जानकारी देने थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।